नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, कंपनी बुक चल रही थी, उसके अंदर हमने पहला चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया था। आज हम कंपनी बुक के चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है ऋण पत्रों का निर्गमन और ऋण पत्रों का शोधन, डिबेंचर को इश्यू करना और डिबेंचर का रिडेम्पशन करना। तो सबसे पहले बात करते हैं डिबेंचर की डेफिनेशन के बारे में। डिबेंचर क्या है? कंपनी द्वारा जारी वह प्रपत्र होता है जो कंपनी द्वारा लिखे गए ऋण का प्रमाण पत्र होता है, यानी कि कंपनी के द्वारा जारी एक वह पत्र होता है जो कंपनी के द्वारा लिखे गए ऋण का, कि कंपनी को इतना ऋण देना है, उसका एक सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र होता है। ऋण पत्र जारी करके हम कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लोन यानी दीर्घकालीन वित्त जुटा सकते हैं। ये डेफिनेशन ऋण पत्र की है, डिबेंचर की है। अब बात करते हैं डिबेंचर के निर्गमन की विधियाँ। डिबेंचर के जो निर्गमन की इश्यू की जो विधियां हैं, जो मेथड्स हैं, वो तीन प्रकार की है। ए है मूल्य के आधार पर, बी है शोधन की शर्त के आधार पर, सी है प्रतिफल के आधार पर। पहला पॉइंट है मूल्य के आधार पर। मूल्य के आधार पर तीन प्रकार की है, सममूल्य पर, प्रव्याजी पर, बट्टे पर। जैसा कि हमने पूर्व चैप्टर के अंदर पढ़ा था अंशों के निर्गमन की विधियाँ, सेम वैसी ही विधियाँ हैं डिबेंचर में मूल्य के आधार पर। दूसरी है शोधन की शर्त के आधार पर। जैसे निर्गमन हमने सममूल्य पर किया लेकिन शोधन हमने सममूल्य पर किया, निर्गमन हमने सममूल्य पर किया लेकिन शोधन हमने प्रीमियम पर किया, निर्गमन हमने सममूल्य पे किया और शोधन हमने बट्टे पे किया, निर्गमन हमने प्रव्याजी पर किया और शोधन भी प्रव्याजी पे किया, निर्गमन बट्टे पे किया और शोधन प्रव्याजी पे किया। तो ये शोधन की शर्त के आधार पर ऋण पत्रों के निर्गमन की विधियाँ हैं। तीसरी विधि है प्रतिफल के आधार पर। पहली है नगद रोकड़ हेतु, दूसरी है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु, तीसरी है संपार्श्विक प्रतिभूति हेतु। तो आज के वीडियो के अंतर्गत हम केवल मूल्य के आधार पर जो विधि है ऋण पत्र के निर्गमन की वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सममूल्य पर, प्रव्याजी पर और बट्टे पर इनकी जर्नल एंट्रियाँ देखेंगे कि किस प्रकार से डिबेंचर के अंदर इनकी जर्नल एंट्रियाँ होंगी, उसके बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे। पहला टॉपिक है, ए पॉइंट है मूल्य के आधार पर जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर सममूल्य पर, तो एंट्रियाँ होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन को डिबेंचर खाते में ट्रांसफ़र करने की डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये दो एंट्रियाँ होंगी सममूल्य पर। अगर इसे ही हम प्रव्याजी पर निर्गमित करें तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके बाद में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। अगर इसे हम बट्टे पर निर्गमित करें तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर इसको ट्रांसफर करने की डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो आइए इन एंट्रियों के आधार पर हम एग्जांपल्स करते हैं। राम लिमिटेड ने 6% 100 रुपये वाले 20,000 ऋण पत्र निर्गमित किए। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये तथा शेष प्रथम व अंतिम याचना पर देय था। सभी रकम प्राप्त हुई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। एग्जाम्पल का हल देखते हैं। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये 6% वाले डिबेंचर है इसलिए इसके आगे 6% लगा दिए। तो 20 रुपये के भाव से 20,000 अंशों पर 4,00,000, तो ये 4,00,000 से डेबिट और 4,00,000 से क्रेडिट। अब डिबेंचर एप्लीकेशन को डिबेंचर खाते में ट्रांसफर करने की एंट्री 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, ये 4,00,000 रुपये। अब अलॉटमेंट ड्यू करने की 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर 6,00,000 से, फिर डिबेंचर अलॉटमेंट की राशि प्राप्त करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर 10,00,000 रुपये से हो जाएगी। बाकी बचे रकम यानी 20 रुपये तो एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे और 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 रुपये आएंगे, वो 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होंगे। तो 50 रुपये के भाव से 20,000 अंशों पे 10,00,000 रुपये। अब राशि रिसीव्ड करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,00,000 रुपये। तो ये 6 एंट्रियाँ होंगी इस एग्जाम्पल में। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 1 जनवरी 2010 को सोलंकी लिमिटेड ने प्रत्येक 100 रुपये वाले 2,00,000 रुपये के 8% ऋण पत्र निर्गमित किए। ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए थे और राशि निम्न प्रकार से देय थी, 20% आवेदन के साथ,
30% प्रीमियम शामिल करते हुए 30 जनवरी को आवंटन पर देय तथा शेष 10 फरवरी को 2200 ऋण पत्रों के आवेदन प्राप्त हुए। निर्गमन से संबंधित आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। एग्जाम्पल का जो एंट्रियां होंगी वो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट हो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 2200 जो अंश थे उनके ऊपर आवेदन प्राप्त हुआ तो 2200 अंश 20% के हिसाब से तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 44,000 रुपये। उसके बाद में 8% एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यानी कि जो 2,00,000 रुपये के जो डिवेंचर थे उनका 20% 40,000 रुपये और आवेदन राशि प्राप्त हुई 44,000 की। तो 40,000 तो हमने डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, जो एक्सेस मनी थी उसको हमने बैंक अकाउंट में वापस रिटर्न कर दिए। तो 8% एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू करने की 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 10% सिक्योरिटी प्रीमियम पर हमने अलॉटमेंट ड्यू किया। तो 2,00,000 का 30% 60,000 रुपये और 2,00,000 का 20% 40,000 रुपये तो डिवेंचर में ट्रांसफ़र हो गया और जो बचा 10% था यानी कि वो हो गए 20,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के। ये जो 10% है ये 20,000 ये हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम के और जो 40,000 थे वो 8% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। अब अलॉटमेंट की राशि रिसीव्ड करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट ये 60,000 पूरे के पूरे। अगर इसे हम बट्टे में जारी करते तो ये जो बट्टे की रकम होती ये 20,000 रुपये ये कट जाती और 40,000 रुपये हमें रिसीव्ड होते, लेकिन अब हमें पूरे 60,000 रिसीव्ड होंगे। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2,00,000 का 60% तो 1,20,000 रुपये और उसे प्राप्त करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वही 1,20,000 रुपये रिसीव्ड हो गए। तो इस प्रकार से ये एंट्रियाँ होंगी। आई होप दोस्तों आपको मूल्य के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन समझ में आया हो।